क्या-क्या उम्मीदें लगाए बैठा था मैं, क्या सोच करके मैं तुम्हें पाला था। सभी उम्मीद पर पानी फेर दिया पुत्र, अगर तुम दोनों का यही मन था तो माँ के लिए क्यों रोता था। तू मुझे कहता मैं तुम दोनों का शादी कर देता, लेकिन अपने माँ के साथ ऐसा किया। कम वक्त कहीं का ये सब करने से पहले मर क्यों नहीं गया। हाथ उठा, हाथ उठा। चारे हराम चादा कहेगा क्या कर रहा हूं आज। जिस बच्चे को मैं फूल का छड़ी भी नहीं मारा था, आज वे महारानी के कहने पर गुस्से में आकर के इसके ऊपर हाथ उठा दिया। लेकिन पुत्र, मेरा दिल कहता है कि तुम दोनों भाई ऐसा नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें पाला हूं, मैं तुम्हें अपने खून से शर्म दिया हूं। मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता, लेकिन मैं महारानी के साथ में सत्य किया, बचा चलिया हूं मैं महारानी को, इसलिए कि महारानी के साथ महामंत्री गवाह है। तुम दोनों का गेंद वो सबूत है पुत्र, इसलिए तुम दोनों को सजा देने के सिवा और कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता। याद कीजिए उस दिन को पिताश्री, जिस समय आपने हम दोनों भाई को वचन दिया था कि बेटा सीत और बसंत, तुम्हारी माँ इस नगर बस्ती शमशान सागर से चला गया तो क्या हुआ। आज समय तुम्हारे लिए माँ का प्यार और पिता का प्यार दूंगा, और जहां जहां तुम दोनों भाई अपना कदम रखोगे वहां वहां मैं अपना सीधा रखूंगा। देखिए पिताजी, हर रोज आप हम दोनों भाई को सीने से लगा लेते थे, लेकिन आज उसी चरणों से दोनों भाई की ठोकर मार के जमीन पर गिरा। समय एक सा नहीं होता पुत्र,
अब मेरे नजर के सामने और कोई रास्ता नहीं है। तू दोनों भाई जा अपने माँ के चरणों में जाकर के ये कीड़े के तरह गिर गिराना। अगर उसका दिल पत्थर का भी होगा तो उसे पिघला कर की मोम बना देना पुत्र। आप तो हम दोनों भाई को एक एक बूंद से पैदा किए हैं, आप तो हम दोनों भाई को माफ नहीं कर पाए। ओ तो माँ सौतेली है, क्या पिताजी वो माँ मुझे हम दोनों भाई को माफ कर देंगे? कभी नहीं करेंगे पिताजी। अगर आप कहते हैं पिताश्री तो मैं आपका बात टालूंगा नहीं, हम दोनों भाई यहाँ से जाऊंगा और माँ के पैर पकड़ के इतना रोऊंगा, इतना गिड़गिड़ाऊंगा। अगर माँ का दिल पत्थर का भी होगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा। और पिताजी मैं तो जा रहा हूँ, अगर हम दोनों भाई का आने में अगर लेट होगा तो आप देखने के लिए जरूर आइएगा पिताजी, जरूर आइएगा। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? जिसका जो काम है वही होना चाहिए।